अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल न्यू मेरे तरीके से मटन मलाई कोफ्ता की रेसिपी। एक बार आप इसे मेरे तरीके से बनाएं, आपका दिल खुश हो जाएगा। ना तो इसमें दही ऐड होगी, ना क्रीम ऐड होगी और ना ही किसी तरह की मलाई ऐड होगी। मुंह में घुल जाने वाले, बिल्कुल मलाई की तरह इसकी ग्रेवी लगने वाली ये मटन कोफ्ता को एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करेंगे मज़ेदार सी और टेस्टी सी और इतने सॉफ्ट से कोफ्ते बनाना शुरू कर लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे मैंने 1/2 kg मटन कीमा लिया है जो कि बारीक, बहुत ही बारीक सा लिया है, आप देख सकते हो। और इसमें 10% फैट भी है। इसी के साथ हम यहाँ पे हरी मिर्चियाँ जो कि बारीक ग्राइंड करी हुई हैं, और इसी के साथ हम यहाँ पे प्याज को ग्रेट करके लिया है और इसका पानी निचोड़ दिया था, स्क्यूज कर दिया था। इसी के साथ हम यहाँ पे एक शिमला मिर्च को भी ग्रेट करके लिया है, इसका भी पानी निकाल दिया है। बहुत ही मज़े का लगता है शिमला मिर्च का फ्लेवर कोफ्तों के साथ। बारीक बारीक सा कट किया हुआ फ्रेश धनिया लेंगे, इसे भी ऐड कर देंगे। अब इसके बाद सबसे पहले बारी आती है जो इसमें बाइंडिंग करने का, क्या ऐड करें। तो काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट्स किया है कि आटा और बेसन वगैरह के अलावा हम क्या ऐड कर सकते हैं। तो मैं आज बिल्कुल नया तरीके से आपको दिखा रही हूँ कि आप इसमें आटा बेसन के अलावा आप ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर सकते हैं। और मैं बिल्कुल नई चीज़ ऐड कर रही हूँ जो कि है मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड को मैंने 4-5 लेकर उसे ग्राइंड कर लिया, उसे ऐड कर दिया। आप इसकी जगह नॉर्मल आटा बेसन या फिर आप ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर सकते हैं। बुने हुए चने का आटा भी बहुत ही अच्छा लगता है, पर जो मैरीगोल्ड के मैंने बनाए हैं ना, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत टेस्टी बने थे। इसी के साथ रेड चिली फ्लेक्स यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, यानी कुटा हुआ मिर्च ऐड कर रहे हैं, भुना हुआ जीरा, काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रहे हैं, और भुना हुआ सौंफ और भुना हुआ धनिया का पाउडर ऐड कर रहे हैं जो कि 1 टेबल स्पून जितना है, और 1/2 टीस्पून जितना गर्म मसाला पाउडर ऐड करेंगे। टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर नमक ऐड करेंगे और इसमें एक अच्छा सा मिक्स देंगे। अपने हाथों की हेल्प से इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, जैसे आप लोग आटा वगैरह गूंथते हो उस तरह से इसे मसल मसल कर आपको मिक्स करना है, जिससे कि सारी चीज़ें एक सा हो जाए और इसमें एक अच्छा सा बाइंड भी आ जाए, और जो विजेस वगैरह है उसमें जो भी थोड़ा बहुत पानी रिलीज हो वो सब अच्छे से मिक्स हो जाए। वैसे तो विजेस का मैंने सारा पानी निकाल दिया था, कोशिश करें कि सारा का सारा पानी विजेस का निकाल दें। और जो भी मैंने इसमें विजेस ऐड किया है ना, जैसे शिमला मिर्च और प्याज वगैरह, बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है, एक बार इस तरह से ज़रूर से ट्राई करें। तो इसमें एक अच्छा सा मिक्स देंगे और ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है। और अब एक कोफ्ते की जितना हम इसे बाइंड करके देखेंगे कि अच्छे से बाइंड हो रहा है या नहीं। अगर आपका अच्छे से नहीं बाइंड हो रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे और अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये अच्छे से बाइंड हो रहा है, लुकिंग भी कितनी ज़बरदस्त है, सारी विजेस हमारी खिल करके आ रही हैं, और जो भी मसाले वगैरह ऐड किए थे सब इसमें से झलक रहे हैं ना, कितने ज़्यादा यम्मी दिख रहा है। अब हम एक पानी लगाएंगे हाथ में, ऑयल या पानी आप लगा करके इसका एक स्मूथ सा बॉल रेडी करेंगे कुछ इस तरह से, और इसी तरह से हम सारे बॉल्स कर लेंगे जितने हमें ज़रूरत है, और बाकी का इसे आप एयर टाइट बॉक्स में या फिर आप इसे पॉलिथीन में अच्छे से रैप करके रख दें, फॉइल में भी आप रैप करके रख सकते हैं। और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में पहले से ऑयल को प्री हीट कर लिया है, और इसमें हम 1 by 1 करके जितने आराम से फ्राई हो जाएंगे हम इसमें ड्रॉप कर देंगे और इसे हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा, आपको फ्लेम का ध्यान रखना है, आपको बहुत लो फ्लेम में इन्हें फ्राई नहीं करना है, आपको मीडियम टू हाई फ्लेम में इन्हें फ्राई करना है, और ये अच्छे से अंदर से पक भी जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। आप इन्हें इसी तरह से फ्राई करके चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो। तो फ्लेम की आप बबल साइड का लगा सकते हो कि आपको हीटिंग कितनी रखनी है, और बहुत ही मज़ेदार से ये लुकिंग है। मैंने एक फ्राई कर लिया है और आपको मैं दिखा देती हूँ कि इनकी लुकिंग कितनी बढ़िया है, बहुत ही मज़े के ये बनकर रेडी हुए हैं। इस तरह से आप बनाएं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं। तो इन्हें मैंने थोड़ी बारी बारी से सारे के सारे फ्राई कर लिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितने ज़्यादा ये मज़े के दिख भी रहे हैं, और एक अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हमें फ्राई करना है, और बाकी के बचे हुए भी हम इसमें ड्रॉप कर देंगे और फ्राई कर लेंगे। तो मैंने जितने भी बचे थे पूरे एक साथ ही ड्रॉप कर दिए, और एहतियात के साथ इन्हें हमें फ्राई कर लेना है, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो कितनी एहतियात के साथ मैं इन्हें फ्राई कर रही हूँ, और लुकिंग भी कितनी ज़बरदस्त है। फ्लेम को भी आप आइडिया लगा सकते हो, और ये देखें कितने ज़बरदस्त, कितने मज़े के एक कोफ्ते बनकर रेडी हुए हैं। जब ये फ्राई होते हैं ना तो मेरे बच्चों के मुँह में पानी आने लगता है, वो इधर उधर से खड़े हो जाते हैं और चोरी करके खाने की कोशिश करते हैं, चूँकि मुझे करी
बनानी है, इसलिए वो लोग ना चोरी करने की कोशिश करते हैं। मैं बिल्कुल भी देने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं इन्हें मलाई कोफ्ते वाले मसाले में डालने वाली हूँ, कोफ्ता करी बनाने वाली हूँ। और अभी अगर बच्चों को खिला दूँगी तो फिर वो मज़े से कोफ्ता करी नहीं खा पाएंगे, इसलिए मैं इस पॉइंट में बिल्कुल भी देने वाली नहीं हूँ। चलते नई शीशिप की तरफ। तो यहाँ पे एक मैंने पैन लिया है, इसमें 3 मीडियम साइज़ की प्याज को हम फ्राई करेंगे। मैंने पैन में घी का इस्तेमाल किया है, आप घी की जगह तेल भी ऐड कर सकते हो। और 3 मीडियम साइज़ की प्याज को हमने फ्राई कर लेना है, जब ये लाइट गोल्डन होने लगे तब तक हमें इसे फ्राई करना है। और इसके बाद इसमें हम 1/2 कप जितना काजू ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून जितना तरबूज के बीज ऐड करेंगे। और इसी के साथ हम 1 टीस्पून जितना काली मिर्च ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून जितना सफ़ेद मिर्च ऐड करेंगे, यानी कि दखनी मिर्च ऐड करेंगे। इसी के साथ 4 से 5 छोटी इलायची ऐड करेंगे और इसी के साथ हम इसे फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, जो कि काजू वगैरह का जो अच्छी सी खुशबू आ जाए काजू वगैरह में। जब इस तरह से काजू फ्राई करके ऐड करते हैं तो जो करी बनती है ना, वो बिल्कुल मलाई जैसी लगती है। आपको मलाई, दही या फिर किसी भी तरह की क्रीम वगैरह ऐड नहीं करना है, बस इन्हीं मसालों से बहुत ही बेहतरीन से आपकी करी रेडी हो जाएगी। ये मसाले आप किसी भी ग्रेवी में बना करके ऐड कर सकते हो, वाइट कोई सी भी ग्रेवी आप बनाएं या करी बनाएं। वाइट करी आप जैसे कि मटन करी भी आप बनाते हो, चिकन करी बनाते हो, या फिर आप कोफ्ता करी, किसी भी तरह की करी, XYZ कोई सी भी हो, आप इस तरह से इसे फ्राई करके करी बनाएं, बहुत ही ज़्यादा मज़े की आपकी करी बनकर रेडी होगी। इस पॉइंट में आप अदरक लहसुन ऐड कर लें, या फिर आप फ्राई करते वक्त भी थोड़ा सा अदरक लहसुन ऐड कर सकते हैं और पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। ये एक ऐसा मसाला है जिससे आप हज़ारों किस्म की रेसिपीज तैयार कर सकते हो, हज़ारों किस्म की डिशेज बना सकते हो। तो इसका मैंने बहुत ही फाइन पेस्ट बना लिया है और अब हम क्या करेंगे, उसी सेम कढ़ाई में इसे डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देंगे। हमें यहाँ पे और भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट हमारा ये मसाला है। इसे हम ऐड कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। ऑलरेडी ये थोड़ा पका हुआ है इसलिए इसे हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। इसी के साथ इसमें हम नमक ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से। और यहाँ पे हमने हरी सूखी मिर्च का इस्तेमाल किया है, इसकी जगह आप लाल मिर्च ऐड करेंगे तो इसका कलर ख़राब हो जाएगा, इसलिए आप हरी मिर्च को बारीक कट करके भी ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास सूखी हरी मिर्च है तो बहुत ही अच्छा है। और इस तरह से हम ऐड करेंगे और आप इसकी क्रीम जो करी की कंसिस्टेंसी को देख सकते हो। और इसमें जो है ऑयल भी आने लगा है, सेपरेट होने लगा है, यानी कि अच्छे से पक चुकी है। और आप इसकी ग्रेवी की जो है ना, वो थिकनेस को, सॉफ्टनेस को देख सकते हो। अब ये बिल्कुल करी रेडी है, बहुत ही अच्छी से खुशबू आने लगी है। तो इस पॉइंट में हम इसमें कोफ्ते मैंने फ्राई करके रखे थे और इसमें एक अच्छा सा मिक्स देंगे। लुकिंग जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़ेदार दिख रहे हैं ये। और जो कबाब है हमने कितने अच्छे से फ्राई करे हैं, और जो ग्रेवी है, आप जो करी बनी है ना, कितनी ज़्यादा क्रीमी, कितनी स्मूथ और लुकिंग, बहुत लाजवाब। मैं चैलेंज के साथ कह सकती हूं कि आपको ये मलाई कोफ्ता करी कहीं भी नहीं मिलेगा। ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है और आपके साथ शेयर किया है, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना है। अच्छा, मैंने इसे थोड़ी देर के लिए कवर भी किया था, ऑयल हमारा पूरा का पूरा सरफेस पर आ गया, इकट्ठे हो गया है। और फ्लेम को अब हमने ऑफ कर दिया है। मैंने यहाँ पे लो फ्लेम में थोड़ी देर के लिए रखा था, जब ऑयल हमारा सेपरेट होने लगा है तो मैंने फ्लेम को ऑफ किया और इसमें एक अच्छा सा मिक्स देंगे। लुकिंग आप देख सकते हो, आप इसे किसी भी ओकेशन पर या किसी खास गेस्ट के लिए आप इसे ट्राई करो, जो भी खाएगा आप की तारीफ़ें करते रह जाएगा। इतने ज़्यादा मज़े के, इतने टेस्टी बने, देखने में जितने ज़्यादा लाजवाब है ना, रियली खाने में भी उतने ही ज़्यादा मज़े के बने थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत मज़े के लगे होंगे। कैसे लगे कमेंट्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, एक बार ट्राई करना बनता है। ये मलाई कोफ्ता, ऐसे कोफ्ते हैं ना, मैं आपको एक बार चेक करके दिखाती हूँ कि कितने ज़्यादा बिल्कुल मुँह में घुल जाने वाले। और जो इसकी करी है ना, रियली बहुत ही अमेजिंग टेस्ट, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आए। जो भी गेस्ट खाएगा आपकी तारीफ़ें करते रह जाएगा। आप एक बार बनाकर खाएंगे ना, हर बार इस तरह से बनाकर खाना पसंद करेंगे, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। इस तरह से आपको रोटी, चपाती, पूरी, पराठा किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दे, सारी रेसिपीज अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अच्छा, बहुत ही मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, तो एक लाइक बनता है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर बहुत अच्छी लगती है वीडियोस तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अपनी फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करें, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि जो मैं खाना बनाती हूँ वो जो भी खाता है सब तारीफ़ करता है।
करते हैं, सबको पसंद आता है। तो आप भी ट्राई करें, आपके भी खाने की तारीफ होंगी इंशाल्लाह।